नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों आज हम आपको अर्ध मशेंद्र आसना, जिसे हाफ स्पाइनल पोज भी कहा जाता है, को करने का तरीका और इसे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों अर्ध मशेंद्र आसना ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। यह अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और यह अभ्यास हमारे बॉडी पोस्चर को भी सुधारता है। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को अक्सर पीठ में दर्द, कमर में दर्द की शिकायत होती है, वह दूर होती है। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। यह अभ्यास हमारे पेट के लिए, हमारी पीठ के लिए, हमारी कमर के लिए एक लाभकारी अभ्यास है। आइए देखते हैं कि अर्ध मशेंद्र आसना को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। जिन लोगों को ऐसे नेक हंप की समस्या होती है या फिर झुके हुए कंधे होते हैं, मुड़ी हुई पीठ होती है, उन लोगों ने भी इस अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। यह अभ्यास पुरानी से पुरानी कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन की समस्या को भी दूर करता है। ऐसे ही आपने सीधे बैठ जाना है और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं। कमर कंधा आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट हाथ को, यानी कि अपोजिट हाथ को, ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ऐसे ले जाते हुए अपने लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको ऐसे अपने घुटने को पकड़ने में दिक्कत होगी तो फिर आप ऐसे भी इस अभ्यास को ऐसे भी कर सकते हैं और फिर अपने हाथ को, अपने राइट हाथ को ऐसे अपने पीठ के पीछे से, कमर के पीछे से ले जाते हुए अपने पूरे शरीर को ट्विस्ट कर देते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन, हमारे लीवर, किडनी, पेंक्रियाज जैसे अंग उत्तेजित होते हैं। यह अभ्यास डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए आपने इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। पहले 30 सेकंड, फिर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर ऐसे अपने घुटने को सीधा कर लेते हैं। फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर अपने हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ऐसे निकालते हुए ऐसे राइट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। तीस सेकंड से लेकर 2 मिनट तक होल्ड करके रखें। और फिर सीधे ऐसे ही अभ्यास को लेफ्ट राइट साइड से आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद अर्ध मशेंद्र आसना को करने के लिए ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे, लेफ्ट हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे अपने राइट घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए और फिर अपने हाथ को, अपने अपोजिट हाथ को, यानी राइट हाथ को अपनी छाती और जंघा के पास से ऐसे मोड़ते हुए ऐसे अपने टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही अर्ध मशेंद्र आसना की पोजीशन पर रहे हैं। जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे पूरे शरीर में, हमारा पूरा शरीर ऊर्जान्वित हो रहा है और नॉर्मल ब्रीदिंग। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस अर्ध मशेंद्र आसना की पोजीशन पर रहे हैं। यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। इसके अलावा इस अभ्यास को करने से हमारा सीना चौड़ा होता है और हमारे सीने की मांसपेशियां भी काफी बलिष्ठ बनती हैं। यह अभ्यास हमारे श्वसन संबंधी विकारों को दूर करता है। और फिर ऐसे अपने हाथ को आगे ले आते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे, अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रख लीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने अपोजिट हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए अपने घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने हाथ को पीठ के पीछे लेकर ले जाकर ऐसे पूरे शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं।
दोस्तों यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर आप इस अर्ध मशेंद्र आसना को प्रैक्टिस ना कर सके हैं तो पहले आप वक्रासना को प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद इस अभ्यास को कीजिए। और फिर सीधे ऐसे ही इस अर्ध मशेंद्र आसना को आप लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और फिर ऐसे अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे पैर के तलवों के नीचे से रखकर अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश कीजिए। फिर